हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका फैशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज मेकअप या कोई टिप्स लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं तो बहुत सारे डिस्काउंट्स चल रहे हैं। अभी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे एंड सब जगह सेल लगी है, तो किसी शॉपिंग की है तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, ये है यू बेला का, मैं यहाँ पे ज्वेलरी की हॉल दिखाने जा रही हूँ। तो वाओ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाली ज्वेलरी मैंने मंगवाई थी अमेजोन से एंड बहुत ऑसम है ये, मतलब बहुत और बहुत ही हैवी है। इसका कुंदन वर्क भी बहुत अच्छा है, बहुत रॉयल लुक आ रहा है। एंड ये डिस्काउंट में मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, तो मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। सेकेंड मैंने ये वाला मंगवाया है, ये है शाइनिंग दीवा फैशन करके है, कोई ब्रांड है ये, आई डोंट नो ब्रांड। सो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अभी तक इसको अनपैकिंग नहीं की है, बस मैं अभी यही जस्ट आपको शो करने के साथ ही अनपैकिंग कर रही हूँ इसकी, कि पैकिंग बहुत अच्छे से आई है पैक होके। तो सेकंड ज्वेलरी ये है, ये भी रेड है और ये चोकर टाइप में है। एक्चुअली जो ये ऐसे डोरी वाली होती है ना, वो ज़्यादा बेस्ट होती है, कि आप अपने नेक के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये चोकर वाला लुक ही है इसका और आई लाइक इट, मुझे चोकर नेकलेस बहुत पसंद है। तो ये सारी ज्वेलरी का प्राइस एक्चुअली मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो ये ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो तीसरी ज्वेलरी मेरी ये है, ये जावेरी पर्ल्स की है। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आई है, ये रेड एंड क्रीम कलर है। ये वाइट दिख रहा होगा आपको, बट ये वाइट नहीं है, मुझे भी वाइट लगा था, बट ये क्रीम कलर है। एंड फ्रेंड्स, ये सारी ज्वेलरी एक्चुअली अंडर 500 है, तो अभी तो सेल चल रहा है, तो इसलिए अभी वेडिंग सीजन्स भी चल रहे हैं, तो मैंने ये ज्वेलरी मंगाया था। तो ये मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये मैंने यहाँ से मैंने कई सारे ज्वेलरी ऑर्डर की थी, तो बस अभी तीन ही मेरे पास आया है। मैंने सोचा पहले मैं ये हॉल बना लूँ, ऐसा ना हो ये सेल ख़त्म हो जाए, ये डील ना रहे। एंड फ्रेंड्स, इन सब ज्वेलरी की सबसे अच्छी बात ये है कि, मैं इसे साइड कर दूँ, इन सब सबके सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो ज्वेलरीज है ना, तो ये जो इस तरह के डोरी के साथ में आते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट होते हैं। मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो बस लास्ट मुझे यही बताना था। एंड फ्रेंड्स, अगर आप ब्राइड हैं, न्यू ब्राइड हैं, तो आप ये वाली ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली पता नहीं ये कैमरे में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है। आप न्यू ब्राइड भी हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं, या आपके किसी शादी का सीज़न है तो आपको कहीं शादी में जाना है तो भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वाला सेट, मतलब ज्वेलरी आपको कौन सी अच्छी लगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।